राज्य स्तरीय कवि सम्मेलन का आयोजन राष्ट्रीय कवि संगम द्वारा हमीरपुर में किया गया, जिसमें प्रदेश के लगभग 100 कवियों ने भाग लिया। इस कवि सम्मेलन में हिमाचल तकनीकी विश्वविद्यालय के उप कुलपति प्रोफेसर SP बंसल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए तथा इसमें देश के प्रसिद्ध कवि जगदीश मित्तल तथा हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध कवि शक्ति चंद राणा भी विशेष रूप से उपस्थित थे। राज्य स्तरीय कवि सम्मेलन का आयोजन राष्ट्रीय कवि संगम द्वारा हमीरपुर में किया गया, जिसमें प्रदेश के करीब 100 कवियों ने हिस्सा लिया। इस कवि सम्मेलन में हिमाचल तकनीकी विश्वविद्यालय के उपकुलपति प्रोफेसर SP बंसल बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे तथा इसमें देश के प्रसिद्ध कवि जगदीश मित्तल व हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध कवि शक्ति चंद राणा भी विशेष रूप से मौजूद रहे। इस कवि सम्मेलन में कवियों ने राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत कविताएं सुनाकर उपस्थित श्रोताओं का मन मोह लिया। तौर पर तो वो बड़ा सक्षम हो जाएगा, पर शारीरिक तौर पर बहुत ज्यादा अक्षम हो जाएगा। छोटी उम्र में उसके नाक के एक हिंदू एक मैंने सोचा नहीं था कि वक्त ऐसा भी आएगा। मैंने सोचा भी नहीं था कि वक्त ऐसा भी आएगा। वोट लेने से पहले गौ माता की बातें बनाएंगे, गौमूत्र से बाबा। कवि सम्मेलन में छोटे बच्चों द्वारा भी अपनी कविताओं की प्रस्तुतियां दी गई। कवि सम्मेलन के आयोजक व हमीरपुर राष्ट्रीय कवि संगम के अध्यक्ष संदीप शर्मा ने बताया कि इस कवि सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य नवोदित कवियों को एक मंच प्रदान करना है। उन्होंने बताया कि इस कवि सम्मेलन में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से कवि पधारे हैं। उन्होंने कहा कि वे चाहते हैं कि इस हमारे कार्यक्रम से हिमाचल के साहित्य को उत्थान मिले व भविष्य में भी इस तरह के कवि सम्मेलन आयोजित किए जाएं। इस राष्ट्रीय कवि संगम के कार्यक्रम में श्री शक्ति चंद राणा जी जो हिमाचल के अध्यक्ष हैं वो पधारे हैं। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता पूरे भारतवर्ष के अध्यक्ष श्री जगदीश मित्तल जी उपस्थित हैं। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री SP बंसल जी, माननीय उपकुलपति टेक्निकल यूनिवर्सिटी हमीरपुर, वो उपस्थित हैं। इस पूरे कार्यक्रम में पूरे हिमाचल से लगभग 100 कवि उपस्थित हैं, जो अपनी कविताओं कहानियों से इस साहित्य कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे। इस कार्यक्रम में बिलासपुर से, ऊना से, चंबा से, कांगड़ा से, धर्मशाला से, बहुत अलग अलग क्षेत्रों से कवि पधारे हैं और हम नवोदित कवियों को इसमें खासकर निमंत्रण दिया है और हम चाहते हैं कि हमारे इस तरह के कार्यक्रम से पूरे हिमाचल के साहित्य को उत्थान मिले और हम भविष्य में भी इस तरह के कार्यक्रम करते रहें। वक्त हो चले एक छोटे से ब्रेक का, आइए मिलते हैं ब्रेक के बाद।